नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। कि गाने तो जो है, हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि द किंग ऑफ मेलेडी है, इसमें हमेशा मेलेडी का जिक्र होगा। और जैसे भाई ने बताया कि कुछ अरेबिक वर्ड हमने यूज़ किए इसमें, तो दोनों का एक क्वालिटी अलग निकल के आएगा। और लोगों को आज यही चाहिए, सुकून भरा जो गाना चलता है ना आज, तो थोड़ा व्यक्ति थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं मुझे सुनने को होता है। चिलम चिली वाले गाने हमने नहीं बनाए इसमें, और हमारा यही मैसेज है कि हम लोग एक अच्छा म्यूज़िक देंगे और यहाँ पब्लिक जितना हमको सपोर्ट करेगी, देखिएगा आगे भी हम कैसा ऐसा काम करते रहेंगे। एफ आर के टीम प्रोडक्शन हाउस है और ये अभी फ्रॉम दुबई, ये एक नया खान इंडस्ट्री में आने वाला है ना, किंग ऑफ द मेलेडी नाम से हम लोग म्यूजिक एल्बम बना रहे हैं और एक फिल्म है जो अरबिक पैटर्न पर फिल्म बनेगी। नवेद भाई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको हम दुबई से यहाँ लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, और फिरोज भाई लिरिक्स राइटर सिंगर है और इन्होंने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं मूवी के अंदर और मेलोडी के अंदर। और नवेद भाई दो अच्छे आर्टिस्ट हैं और एक नए खान की एंट्री फिर से इस इंडस्ट्री में होने वाली है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि नवेद खान के नाम से एक नया चेहरा आप लोग सब लोग के सामने आएगा बहुत जल्दी। नमस्ते, सत श्री अकाल। अभी जो बॉलीवुड में जो खान लोग का जो चल रहा ट्रेंड, मैं फर्स्ट टाइम एंट्री करूँ, मेरा नाम नवीद खान है और मैं दुबई से हूँ और फिरोज भाई से मेरी दोस्ती है 5 साल से। मैं बहुत बार आपको ये बताता कि भाई मैं बॉलीवुड से एंट्री होना चाह रहा हूँ, वेट कराए मेरे को। तो अभी एक एल्बम हम लोग आप स्टार्ट कर रहे हैं, किंग ऑफ मेलोडी, द किंग ऑफ मेलोडी। वो एल्बम में हम लोग एक नई चीज़ ये कर रहे हैं कि बॉलीवुड गाने तो हिंदी में रहेंगे और कुछ वर्डिंग उसमें अरबिक रहेंगे दुबई के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग बॉलीवुड के आर्टिस्ट, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ वगैरह बहुत लाइक करते हैं। तो हम लोग एक नया ट्रेंड लेके चल रहे हैं, साथ ही साथ एक मूवी भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। बॉलीवुड प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट पूरा दुबई का है, यानी कि उसमें थोड़ा अरबिक वगैरह भी रहेगा। ये जो मुंबई या बॉलीवुड का जो मूवीज़ का जो ये है दुबई में बहुत ज़्यादा चलता, बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। जब सलमान भाई की एंट्री होती तो बहुत सारे लड़कियां वो बहुत वहाँ पे एंजॉय करते हैं। जब शाहरुख भाई की एंट्री होती तो एक रोमांटिकल उनका अंदाज है, तो उनका अलग अपना वो है। तो बस हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक नए तरीके से हम लोग एक बॉलीवुड में एक नया कुछ करें। और बहुत फिरोज भाई की जो जितनी भी टीम है, जितने भी लोग हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, और फिरोज भाई खुद भी एक ऐसे है हर, यानी कि सबको सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कोई सही लोग मेरे को अगर मिले तो मैं अच्छे से एंट्री इसमें करूँ, और बस ऊपर वाला मेरी जो ख्वाहिश थी, मेरी जो कोशिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कर। मैं सबसे पहले अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी। मैं एक एक्ट्रेस मॉडल हूँ और ये तो जो सलमान मैम कैमरा लुक ओके सलमान जी की बात चल रही थी तो मुझे छोटी सी एक कहानी याद आ गई। उन्हें ढूंढे आए थे मुंबई और उन्हें ढूंढ ढूंढ के एक्ट्रेस बन गए, वो मिले, चलो ठीक है जो भी है। बाकी मैं एक अच्छी सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ जो कि मैं कर रही हूँ। बेसिकली मैं पेंटर हूँ और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी मैं चाहती हूँ कि बड़े अच्छे से अपने कदम जमाए, बहुत सारा नाम शोहरत कमाए, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये टीम बड़ी प्यारी है, सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम प्रियांजलि ठाकुर है, मैं मॉडल एक्ट्रेस हूँ और इसके साथ साथ सिंगर भी हूँ। इनके साथ जुड़कर मैं बहुत खुश हूँ, इनके एल्बम में शायद एज अ सिंगर और एज अ मॉडल काम करने वाली हूँ। अभी कुछ आइडिया नहीं है बट अभी जुड़े हैं, अभी साथ में क्या करने वाले हैं अभी कुछ आइडिया नहीं है। मूवीज़ में भी शायद मैं हूँ और अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर सकती उन चीज़ों में, पर हाँ इनका पार्ट हूँ, बहुत खुश हूँ इनके साथ। और दुबई से शेख साहब जी यहाँ पर आए हैं तो इनके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स इनके लिए, बिकॉज दूसरी कंट्री से आकर अपने लिए एक जगह बनाना, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना एक बहुत मुश्किल है किसी भी जगह में। आप हम लोग कहीं भी दूसरी जगह में जाते हैं तो एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, एक नई जगह में अपना बेस बनाने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू
फाइंड आउट द वे एंड स्टार्ट समथिंग, बट ये कुछ कर रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड. बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि दुबई के लोग अभी इंडिया में आ रहे हैं. नाविद खान साहब जो इस फिल्म के हीरो हैं, और ये दुबई बेस्ड कहानी है, हिंदी में बन रही है, अरबिक में है, हाँ मतलब अरब से ये हिंदी में आ रही है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है. एक घर और ओपन हो रहा है, कम से कम 100 आदमियों का पेड़ पालेगा, 100 आदमी बिजी हो जाएंगे, उसके बाद में 100 अगले, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, मतलब हज़ारों आदमी एक प्रोडक्शन से जुड़ जाते हैं. सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, और ये नई साल में हो रहा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं. और नाविद साहब को बहुत बहुत नई साल मुबारक हो, ये फिल्म मुबारक हो, एज हीरो आप तरक्की करें, स्टार बने, आपकी पर्सनलिटी बहुत अच्छी है, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी पर्सनलिटी, और इसको मेंटेन रखना देखें, बम्बई में आने के बाद मैं ऐसी पर्सनलिटी रहनी चाहिए. अरबी और हिंदी दोनों का यहाँ पे मिक्सअप है, अरबी और हिंदी क्या नया कुछ दे रहे हैं? अरबी भी बहुत ज्यादा है, हिंदी और अरबी को थोड़ा मिक्स करके लेके आया. अभी आज कुछ गानों की रिकॉर्डिंग हुई है यहाँ पे, एक आध कुछ से जरा अंदर घूम रहा है. मेरी धड़कन चुरा दो.